आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा मेरा, पसंद आया तो मैं दावा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको उससे भी ज़्यादा पसंद आएगा। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और वट एवर टाइम यू वॉचिंग दिस वीडियो, आई उमेश श्रीवास्तव हार्टली वेलकम्स यू इन माई क्लास ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज सबसे पहली बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के कहना चाहता हूँ कि इस क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज देयर आर जेम्स एंड पर्ल्स, हीरे और जवाहरात छुपे हुए हैं इस कक्षा में। तो आप इसको टिल एंड देखिएगा, वॉच टिल एंड दिस वीडियो। मैं आपको बिल्कुल पहले रिक्वेस्ट करके आपसे बोल रहा हूँ कि शुरू करते ही आप इसको आखिरी तक देखिएगा। क्या होगा इसको आखिरी तक देखने से, इस पर चर्चा मैं आपको कर दे रहा हूँ कि इस कक्षा को मैं दावा करता हूँ, आई प्रोमिस यू कि इस कक्षा को देखने के बाद आपको एक नवीन अनुभूति ना हो तो आप मुझे जो कहे तो कहना, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। एक नवीन अनुभूति में विज्ञान की मैं आपको लेकर के जाऊंगा। आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ इमेजिनेशन एंड अ न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू विल एक्सपीरियंस इन दिस क्लास ऑफ फिजिक्स टुडे। जैसा कि टॉपिक है लाइट लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको ऑप्टिक्स कहेंगे सबसे पहले। ऑप्टिक्स हिंदी में कहें तो प्रकाशी। ऑप्टिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट एंड रिलेटेड फिनोमिनास। क्या होता है? प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछली क्लास में प्रॉमिस किया था दैट आई विल टीच यू इन अ वे दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड हिंदी मीडियम या हिंदी माध्यम के छात्रों को भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, हिंदी में कुछ बोलूँगा, आधा अंग्रेजी में। कम्प्लीटली आई विल गिव यू द डेफिनेशन इन इंग्लिश ऑल्सो एंड एज वेल एज इन हिंदी उसी स्तर के साथ में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन शुरू करें उसके पहले कुछ बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, और ये मेरा दायित्व भी है कि जहाँ विज्ञान की शुरुआत होती है, व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस, तो उससे पहले एक बात और शुरू होती है, दैट व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है। सबसे पहले इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और आप सोचोगे कि ये क्यों इस तरीके का करवा रहा है, इसका कहीं ना कहीं आगे के लेक्चर से नाता है। ये नींव खोद रहा हूं मैं विज्ञान के लिए आपकी, ताकि आप चीजों को एक्सपीरियंस कर सको। उस जो तथ्यात्मक ज्ञान है, आप देखेंगे कि मैंने इस ज्ञान की माला में किस तरह से हीरे मोतियों को बुना है कि आपको वो तथ्य ना लग करके इतनी आसानी से याद हो जाएंगे चीजें कि आपको रटने वाली प्रक्रिया से आप दूर चले जाएंगे बिल्कुल। आप चीजों को समझेंगे और फिर देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और मैं ये दावा करता हूँ कि आप जब बूढ़े भी हो जाओगे तो अपने बच्चे को भी आप पढ़ा दोगे बैठ के, यार ये उस समय पढ़ा था मैंने, अभी तक मुझको याद है एक बार सुनने से। ये मेरा दावा है, बस आप सुनिए ध्यान से, जो बात आपको इंपॉर्टेंट लगती है आप नोट कर लीजिए। बहुत फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स की तरह से दिखाया नहीं गया है, लेकिन बहुत फैक्ट्स हैं इसके अंदर भी। जो लोग तथ्यात्मक रूप से, मैंने पिछले लेक्चर अगर आपने ना सुना हो तो मैंने उस अप्रोच को पहले ही इसलिए अपनी फर्स्ट क्लास में आपको समझा दिया था कि क्या हमको करना है। तो पहली बात तो हम लोग करते हैं ज्ञान को लेकर के। ज्ञान एक्चुअली क्या है? देखिए, ज्ञान का प्रारंभ सूचनाओं से होता है, तय बात है, जिसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, जिनको हम लोग फैक्ट्स कहते हैं। तो उन फैक्ट्स के आधार पर ही हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं। लेकिन नॉलेज एक्चुअली होती क्या है, इसको मैं बड़े अच्छे एक्सपीरियंस से या एक बड़े अच्छे उदाहरण से आपको समझाता हूँ। दो तरीके के लोग आपने देखे होंगे, एक वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, और पैसा कमा करके बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। और आजकल एक दौर चल गया है कि आप पैसा खर्च करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं,
और EMI पर खरीदते हैं बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें हम लोग नगद नहीं ले सकते एक मुश्त में, उसको हम लोग किस्तों पर ले लेते हैं, वी बाय इट ऑन EMI, और फिर उसके बाद हम EMI देते रहते हैं उसकी, जो भी हम कमाते हैं वी एक्सपेंडेड इन आवर एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन आवर गुड क्लोथ्स, गुड शूज, गुड फूड, मैनी थिंग्स, कार, डिफरेंट थिंग्स, तो बहुत सारी चीज़ों पर हम इस पैसे को व्यय करते हैं। तो हम कमाते हैं पैसा, हम काम करते हैं पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने के बाद पैसा खर्च कर देते हैं, जेब खाली होती है, कर्ज चलता रहता है। तो इसी तरीके से आपका जो तथ्य वाला जो ज्ञान होता है वो भी इसी तरीके का होता है कि अगर आपने 10 तथ्यों को याद किया है तो वो 10 तथ्य याद रहेंगे, अगर उन 10 तथ्यों पर आधारित कोई प्रश्न आया तब तो आप उसको हल कर पाओगे, अगर 11वीं बात आपसे पूछ ली गई तो आपके समझ से बाहर हो जाएगी बात। अब देखिए, अब फिर पैसे वाला कौन है? एक तो मैंने आपको उदाहरण बताया, वो लोग हैं जो अच्छे कपड़े पहन करके घूम रहे हैं, बड़ा अच्छा फ़ोन लिए हुए हैं अपने हाथ में, चाहे वो फिर EMI पे लिया हो, कार ले ली है लोन के ऊपर, एक तो वो लोग हुए। मैं सिर्फ उदाहरण ले रहा हूँ, आप व्यक्तिगत रूप से उसको बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं सिर्फ इसको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इसको आप कोई व्यक्तिगत मत लीजिएगा, उसको एक उदाहरण है। अब दूसरी तरफ वो व्यक्ति कौन है जो पैसे वाला कहलाता है? पैसे वाला वो है जिसने आपको लोन दिया है उस EMI के लिए, जैसे बजाज एलियंस, उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो बैठे हुए हैं पैसा रख करके कि आओ हमसे ले लो पैसा, आपको जो खरीदना है खरीद लो, ड्रेसिंग टेबल भी खरीदनी है तो वो भी 3 EMI में हम आपको दिलवा देंगे, पैसा हम देंगे, उनके पास वो पैसा है, और उस पैसे पर क्या करते हैं वो, उससे आपसे इंटरेस्ट लेते हैं। उनका पैसा पैसा है, क्यों? क्योंकि उनका पैसा आपको पैसा उनको पैसा कमा करके दे रहा है, आपका पैसा खर्च हो रहा है, तो वो पैसा बढ़ता चला जाता है, निरंतर बढ़ता चला जाता है, और न केवल इस तरह से बढ़ता है बल्कि इस तरीके की मनी जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, तेजी के साथ में एकदम स्प्रेड बढ़ती जाती है। थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टर का पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो जैसे आपने अंबानी इसको देखा, इसको देखा, तो इनका पैसा इनके लिए काम करता है, इनको कमा करके देता है। आप तब जब तक काम करते हैं तो क्या है, पैसा निरंतर बढ़ रहा है। यही चीज़ बिल्कुल ज्ञान के साथ भी है, ज्ञान अगर आपको है तो निरंतर बढ़ता चला जाएगा, वो कहीं पर सीमित नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ कि पहले पढ़ा था तो भूल गए, उसके साथ इतनी सारी चीज़ें जुड़ती जाएंगी कि आपका ज्ञान जो है निरंतर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, उस पर एक सीढ़ी पे सीढ़ी, मंजिल पे मंजिल बनती चली जाएंगी, आप सोच भी नहीं पाओगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ, आपको लगेगा, देखिए सपोज कर एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति हिंदी साहित्य लेता है BA में और फिर MA भी हिंदी साहित्य से करता है। एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसको कुछ नहीं आता, उसने MA हिंदी साहित्य से कर लिया था, उसको लगा हिंदी सबसे आसान विषय है, इससे आसानी से MA हो जाएगा, एक वो व्यक्ति भी है। दूसरा वो व्यक्ति है जिसने हिंदी साहित्य अच्छे से पढ़ा, सब बातें करी और सब हुआ, उसके बाद तैयारी करी और किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गया। ये सब बातें मैं आपके लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, इसलिए आप उसको व्यक्तिगत लीजिएगा भी मत, मैं सिर्फ उदाहरण से आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि ज्ञान का स्वरूप किस प्रकार से आप पहचानें और किस आधार पर उस नींव को खड़ा करें जिससे आपको सफलता मिले। तो दूसरी बात, फिर जो अगली बात है, आप एक और व्यक्ति हैं, वो थोड़ा सा और ज़्यादा होशियार था, उसने MA किया और उसके बाद उसने और मेहनत करी तो वो जो है लेक्चरर हो गया 12th तक की क्लास में जा करके हिंदी साहित्य का। एक और था, उसने MA के बाद PhD भी करी और PhD करने के बाद वो प्रोफेसर हो गया डिग्री कॉलेज में जा करके। लेकिन इन्हीं में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो व्यक्ति साहित्य को पढ़ करके स्वयं साहित्यकार हो जाता है, मेरी बात अब आप समझे ना, साहित्य को पढ़ करके स्वयं साहित्यकार हो जाता है। इस व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से क्या भिन्नता है अब आप समझिए, बाकी लोगों का ज्ञान जो उन्होंने पढ़ा है वहीं तक सीमित है और दूसरे जो एक जो साहित्यकार बना उसका ज्ञान सृजनात्मक हो गया, उसने नई चीजों को पैदा कर दिया, ठीक उसी तरह से जैसे पैसा पैसे को पैदा कर रहा था, ठीक इसी तरह से ज्ञान से ज्ञान पैदा होना शुरू हो गया। और दिस इज विद द साइंस ऑल्सो, बहुत सारे लोग साइंस पढ़ते हैं लेकिन साइंस पढ़ने के बाद इंजीनियर भी बनते हैं लेकिन कोई नई इनोवेशन नहीं हो सक कर पाते, कोई नई खोज नहीं कर पाते, नया इन्वेंशन नहीं कर पाते, तो ये चीज़ नहीं होती। लेकिन आप देखिए अमेरिका, मोस्ट ऑफ द इन्वेंशंस अमेरिका के लिए जाते हैं,
क्योंकि वहां पर इस तरह से ज्ञान को लिया जाता है लोगों के द्वारा कि वो कुछ अपना, एलन मस्क को देख लीजिए, सारे वैज्ञानिकों को आप पीछे छोड़ देंगे, जो इसरो काम कर रहा है, जो दुनिया की अलग अलग जो स्पेस एजेंसीज काम कर रही है, वो अकेले आदमी ने करके दिखा दिया। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसके बाद उसने उसी ज्ञान को नए रूप में दिया और एक नए आयाम पर ले गया और उसने स्पेसएक्स कंपनी बनाई और अंतरिक्ष विज्ञान में महारत हासिल कर ली। तो अब आप समझ लीजिए कि किस स्तर की बुद्धि होगी। तो ज्ञान क्या है, सबसे पहले आपको इसको समझना है। अब मैंने क्यों ये बात आपको बताई, सिर्फ इसलिए ये बात आपको मैंने बताई है कि जो मेरा अप्रोच है पढ़ाने का विज्ञान को, प्रौद्योगिकी को, वो यही अप्रोच है। और इस अप्रोच से जब आप सीखोगे चीज़ों को, तो मैं दावा करता हूँ कभी भूलोगे नहीं। आपका ना तो प्रिलिम्स में, ना मेंस में, ना इंटरव्यू में किसी स्तर पर आप पीछे नहीं छूटोगे, आप बहुत अच्छा समझ रखोगे चीज़ों के विषय में। तो इसी के साथ जो एक थोड़ी सी मैंने आपको जो समझाने की बात आप शुरुआत में की, उसको मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपके मूल मुद्दे पर। तो आज मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम शुरुआत कर रहे हैं ऑप्टिक्स से, यानी प्रकाशिकी से। क्यों कर रहे हैं, विज्ञान में इस विषय से प्रारंभ करने के दो कारण हैं। पहला कारण तो स्वाभाविक है कि इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। मनी क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, मनी क्वेश्चन आर आस्क्ड। अब क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये भी आप जान लीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, बीएससी की होगी, बीटेक की होगी, यहां जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये सब जो होते हैं अप्लाइड होते हैं। अप्लाइड द क्वेश्चन आर अप्लाइड मीन यू कैन से इन हिंदी अनुप्रयोगात्मक, अनुप्रयोगात्मक मतलब सीधी सीधी सी भाषा के विज्ञान के वो पहलू जो हमारी निजी जिंदगी से जुड़े हैं, जिनको हम देखते हैं। छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं कि बादल सफेद रंग का क्यों दिखाई देता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है, मैंने आपको दे दिया, इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। आपने तारे टिमटिमाते हैं ये सुना होगा, बहुत सी चीज़ें और सुनी होगी, मैंने आपको नया क्वेश्चन दे दिया। बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने दिया है। भविष्य में जो पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं अब आउटडेटेड हो गए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं सब आउटडेटेड है, समझाऊंगा। मैंने आपको नया क्वेश्चन दिया, बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, व्हाई द क्लाउड सीम टू बी वाइट आकाश में इन द स्काई। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इसलिए मैंने कहा था लेक्चर को पूरा सुनिए, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत काम किए हैं आपके, समझ में आएंगी। तो अनुप्रयोगात्मक हमारे आसपास की परिघटनाएं, हमारे आसपास की परिघटनाएं और प्लस ऐसी चीज़ें जो आविष्कृत हो चुकी हैं और हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आती हैं, उसका भी एक उदाहरण देख लीजिए। फाइबर ऑप्टिक्स, आज आप जो 4G चला रहे हो अपने फोन में, हाई स्पीड इंटरनेट चला रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। इंग्लिश में बोलते हैं प्रकाशित तंतु, हिंदी बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बेफिक्र रहना। कई लोग क्या होते हैं, इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बताते हैं, यहाँ ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो आपके मतलब की बात है टेक्निकली, आई विल स्पीक इट इन एवरी लाइन इन इंग्लिश एज वेल एज इन प्रॉपर हिंदी, बिल्कुल सही अनुवाद प्रकाशित तंतु, ठीक है। लेकिन आप अगर फाइबर ऑप्टिक्स लिख देते हो तो कोई आपका काटेगा नहीं, ये भी आपको बता देना हूँ, क्योंकि सरकार की भी योजना चली थी तो उसमें भी उसका नाम फाइबर ऑप्टिक था रखा था उन्होंने, प्रकाशित तंतु नहीं कहा था। लेकिन हिंदी आ सकती है, बड़ी भयंकर हिंदी पूछते हैं UPSC में जब ट्रांसलेशन करते हैं, तो इस पन्ने पर अंग्रेजी होती है, पहले समझ लो, इस तरफ अंग्रेजी होती है पढ़ने के, इस तरफ हिंदी, तो एक बार अंग्रेजी हिंदी देख लेनी चाहिए, मैं तो दोनों में लिख रहा हूँ। तो वही तो एक तो कारण है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हर स्तर पर। दूसरा कारण ये है कि ये वो विषय है जो आज भी तकनीकी, मैंने बताया था एक तो है विज्ञान, तो ये तो विज्ञान वाली बात हो, एक है टेक्नोलॉजी, अदर इज टेक्नोलॉजी। सो द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स। आधुनिक प्रौद्योगिकी के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो प्रकाशिकी के सिद्धांतों पर टिके हुए हैं। एक तो मैंने आपको सामने बता ही दिया, दूसरा और बता देता हूं, एंडोस्कोपी, सुना है आपने,
नहीं सुना तो बता देता हूँ, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, चलो आपके लिए नहीं छोड़ रहा हूँ। पेट में यदि अल्सर हो जाता है तो अल्सर को चेक करने के लिए डॉक्टर आपके पेट में एक नलिका डालता है और उसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। अब वो कैसे काम करती है इस पर आपको विचार करना है, मैं तो जब वहां तक आऊंगा तब आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन ये आपको मैंने फिर एक चीज दे दी। निरंतर आप देखेंगे कि आपके ज्ञान की जो गांठें हैं वो खुलती चली जाएंगी, द नॉट्स ऑफ योर नॉलेज विल ओपन ग्रेजुअली डे बाय डे एज मोर एंड मोर यू विल लिसन टू माय लेक्चर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वट एवर सब्जेक्ट आई विल टीच इन फ्यूचर। सो नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक। तो दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया कि जो टेक्नोलॉजी है ये उसका कहीं ना कहीं आधार है, बेस है। तो आपको नए अनुप्रयोगों को समझने के लिए, नए आविष्कारों को समझने के लिए काफी हद तक यहां से मदद मिलती है, ठीक है। तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से मैंने इसको उठाया, और मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कभी भी कुछ भी शुरू हो गया, 10 तथ्य बता दिए, विज्ञान से पूछे जाने वाले 10 तथ्य, विज्ञान से महत्वपूर्ण 10 प्रश्न याद कर लो, इस तरीके का बिल्कुल नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक क्लास है और पढ़ने वाले जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो इसको जरूर इंजॉय करेंगे, आई एम श्योर। तो इसको मिटाते हैं और अब हम आते हैं अपने फिर विषय पर। यू मस्ट हैव सीन अ हॉरर और थ्रिलर मूवी, आपने जीवन में सस्पेंस और हॉरर वाली मूवीज देखी होंगी, कत्ल वाली मूवीज देखी होंगी, CID देखा होगा, इस तरीके की चीजें, रहस्य वाली चीजें आपने जरूर देखी होंगी। तो आपको मैं बताता हूं कि प्रकाश हो या कोई भी चीज हो, बात मिस्ट्री की बात पे करेंगे, पहले आसान सी बात करते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा एक किस्सा याद आया कि बहुत बड़े प्रोफेसर थे अमेरिका में, उन्होंने एक स्टूडेंट से जाकर के पूछा कि वॉट इज लाइट, वॉट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो अक्सर बच्चों की एक आदत होती है कि वो कभी ये नहीं मानते कि मुझे नहीं आता, वो ये कहते हैं, जवाब देते हैं कि सर वो याद था लेकिन मैं भूल गया। तो उसने भी यही जवाब दिया कि वो याद तो था लेकिन मैं भूल गया। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी कमाल की बात है। तो सब बच्चे पूछने लगे क्यों, बोले क्योंकि प्रकाश के बारे में और विद्युत के बारे में, अबाउट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओनली टू पीपल इन द वर्ल्ड नो, टू पीपल इन द वर्ल्ड नो, दो लोग जानते हैं केवल। बोले कौन, बोले वन इज गॉड, एक तो भगवान, एंड सेकेंड वन यू, तो तुम अभी भूल गए हो। अब बात कहने का मतलब क्या है कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो उनको हम जानते नहीं हैं, पहली बात आप समझिए, हम उसको समझते हैं हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं से। यदि कोई कहे कि डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी, डिफाइन लाइट, तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिफाइन इट, ये लगभग असंभव है। बट वॉट वी अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, बिकॉज दे एक्ट इन अ स्पेसिफिक वे इन आवर वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास एक विशेष प्रकार से कुछ ना कुछ करती है। जब बादल टकराते हैं तो बिजली कड़कती है, सबसे पहले मनुष्य ने बिजली को यहीं से समझा था, प्रकाश को हम लोग महसूस करते हैं क्योंकि चीजें हमको दिखाई देती हैं, सबसे पहली चीज वहां से हमको प्रकाश का एहसास होता है क्योंकि चीजें हमको दिखाई देती हैं। तो लेकिन हम ये, और अब देखिए मिस्ट्री की बात आती है यहीं से। अब मिस्ट्री की बात क्या थी कि प्रकाश जो है, प्रकाश ही नहीं, विज्ञान की बहुत सारी चीजें लंबे समय तक लोगों के लिए मिस्ट्री बनी रही, उनमें से एक प्रकाश भी है, लाइट भी है। लाइट भी वो कैरेक्टर है फिल्म का जो सस्पेंस में बना रहा और बहुत समय लग गया इसको पहचानने में, जैसे फिल्म में लगता है खूनी कौन है, हु इज द किलर, वही चीज प्रकाश के साथ भी थी। अब देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने प्रकाश को समझा कैसे और क्या क्या इसके बारे में हम समझते गए और आज कहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। इतना प्यारा आपको लेक्चर बताऊंगा, फिर एक क्वेश्चन भी दूंगा मैं आपको करने के लिए, कि ये क्वेश्चन अभी बादल वाला दिया था, एक क्वेश्चन और दूंगा जब मैं इस बात को समझा दूंगा तब तो।
तो क्या हुआ कि हम लोगों ने कुछ घटनाएं देखी हैं अपने आसपास। जैसे मैंने आपको एक बताया कि हम चीजों को देख सकते हैं, तो चीजों को देखने के लिए आप मुझे बताइए किस किस चीज की जरूरत है, आप जब बता सकते हो मुझे। तो आपका जवाब हो सकता है प्रकाश, कोई कहेगा आंख, तो मैं इसके लिए आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूं, एल ओ ई। एल मीन्स लाइट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट एंड ई मीन्स ये काली काली आंखें, आई। तीन चीजों की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, हिंदी में फिर बता देता हूं। आई का मतलब तो नेत्र होता है, आंख होती है, चक्षु होते हैं, नयन होते हैं, और लाइट का मतलब प्रकाश। हिंदी मीडियम वालों के साथ में दोहरा बर्ताव नहीं होगा, सौतेला सब चीजें लिखूंगा, अक्सर क्या होता है लोग स्किप कर जाते हैं हिंदी का वर्ड। तो इन तीन चीजों की जरूरत है, और इनमें से एक भी तंबू हिला तो चीजें दिखने का बंबू हिल जाएगा। वो आपने डायलॉग सुना होगा ना, हमारी जिंदगी का तंबू वाला, अगर प्रकाश नहीं होगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। अगर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मतलब आपके आसपास चीजें नहीं होंगी तो भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और स्पेस में जब हम जाते हैं इसलिए हमको काला दिखाई देता है, बिकॉज स्पेस में कुछ है नहीं, स्पेस काला दिखाई देता है, जबकि यहां मैं आसपास ऐसा नहीं लगता कि काला है। तो ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी ऑब्जेक्ट। रात में लाइट नहीं होती है तो नहीं दिखाई देता, स्पेस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं दिखाई देता। और आंख, आंख बंद है, आंख नहीं है तो फिर ये बेशक दोनों बने रहे तो भी दिखाई नहीं देगा। आप बहुत प्यार से समझते जाइए मेरी बात, यू विल सी दैट आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर यू विल फील अ न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। एक नए तरीके का अनुभव आपको मिलेगा विज्ञान में। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो अब देखते हैं। तो हमने शुरुआत को महसूस करने से शुरू की और दो तीन घटनाएं देखी। जैसे हम अपनी शक्ल, आजकल तो सारे लोग फोन में अपनी शक्ल देखते रहते हैं, सेल्फी खींचते रहते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हमने अपनी शक्ल को कांच में देखने से करी थी, मिरर में देखने से की थी। जब कांच का इजाद नहीं होता तो तांबे और उस पर चमक बना करके आदमी अपनी शक्लें देखा करता था। हड़प्पा कालीन उसके जो पुरातत्व से प्राप्त अवशेष हैं वहाँ पर कई ऐसे चीज़ें मिलती हैं, इसको देख करके लगता है कि ये दर्पण रहा होगा। लेकिन अब फिर दर्पण जब इजाद हो गया तो आप जानते हैं दर्पण को हम लोग देखते हैं मिरर, तो हम अपनी शक्ल को मिरर में देखते हैं, अपने आप को मिरर में देखते हैं। देन फिर कुछ और चीज़ें हमने दी। तो दो घटनाएं जो थी वो बहुत पुराने समय पर हमारे पकड़ में आई, और वो थी एक तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी ये होता है भाई परावर्तन और ये अपवर्तन। अब ये सब क्या होते हैं इस पर तो हम जब इस टॉपिक में आएंगे तब चर्चा करेंगे। ये हम बहुत पहले से देखते चले आ रहे थे और इन घटनाओं को हमने बहुत पहले से समझा था, और जब ये घटनाएं हमारे सामने थी और जब जब हम कहीं झिरी से आता हुआ प्रकाश देखते थे और फिर अगर झिरी बंद कर दिया जाए तो अंधेरा हो जाता था। जब हम बच्चे होकर के कहीं पाइप में से देखा करते थे या किसी में से ऐसे देखते थे, अगर पाइप टेढ़ा हो जाए तो हमको नहीं दिखाई देता था। तो हमने एक निष्कर्ष निकाला, वो क्या, बचपन में हम लोग सूरज बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, बनाते हैं ना, तो ये क्या चीज है, ये देख रहे ना, दिस इज रे ऑफ लाइट, दिस इज रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरणें। तो बहुत पहले से हमने ये बात समझ ली थी कि प्रकाश जो किरण के रूप में आता है, प्रकाश की किरणें हम तक आती हैं, सूर्य की किरणें हमारे तक आती हैं, और ये किरणें जो है सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन,
इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी मूव कह रहा हूं लेकिन बाद में बदल दूंगा अपना शब्द, अभी मूव कह रहा हूं, ट्रेवल्स कह रहा हूं लेकिन बाद में बदल दूंगा अपना शब्द, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस प्राचीन ज्ञान से हम एक बात समझे कि रे लाइट होती है, लाइट जो है रेस के रूप में चलती है, और ऑप्टिक्स की एक विशेष शाखा का गठन हुआ, अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं हिंदी में किरण प्रकाशिकी। आप नोट करते जाना प्लीज, किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी का इजाद हुआ। तो सबसे पहले जिस चीज को हमने समझा प्रकाश के लिए, कहानी है, इसको आप समझो और एंजॉय करो, आप देखो कितना अच्छे से आपको बात समझ में आएगी, और क्वेश्चन बना करके दूंगा और आप देखेंगे मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपके ऑप्टिक्स से, आईएएस में, पीसीएस में, एसएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में, जितने क्वेश्चन पूछोगे सब सॉल्व, आप, मैं दावा करता हूं आप कर लोगे, लेकिन मैं भी करा दूंगा अपनी क्लास में आकर के। तो देखते हैं, तो पहला चरण जो था, फर्स्ट फेज जो था, फर्स्ट फेज जो हमारी समझ का था प्रकाश के बारे में, वो कुछ इस प्रकार का था। पहला चरण जिसमें हमने दो बातें समझी, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्लेक्शन, यानी कि वही परावर्तन और अपवर्तन। तो ये पहला चरण था जिसमें हमने प्रकाश को समझा। अब भाई दूसरे चरण में क्या हुआ, दूसरे चरण में थोड़ा सा एक नई बात आ गई, और वो नई बात ये थी कि 1600 के बाद दुनिया में विज्ञान, दुनिया में तो नहीं कहेंगे, यूरोप में कहेंगे, ठीक है। तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि उस जमाने वहां पर विज्ञान का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। तो यूरोप के लोग जब तक बेचारा गैलीलियो केपलर थे तब तक तो बेवकूफ बने रहे धर्म के नाम पर, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि विज्ञान वास्तव में वास्तविक है, और उसके आधार पर 17वीं शताब्दी के लगभग में आकर के, 1600 के बाद आकर के यूरोपियंस विज्ञान को में विश्वास करने लगे। और इस समय एक ऐसा वैज्ञानिक आया जिसका नाम था सर आइजक न्यूटन। सामान्य भाषा में आप न्यूटन पढ़ते हैं, तो न्यूटन का अपना बहुत प्रभाव बना अपने टाइम में, और ये उसकी बहुत बड़ी सफलता थी। वही गैलीलियो और केपलर जहाँ एक वैज्ञानिक के रूप में अपने जीवन में बहुत असफल रहे, उनको धर्म के कारण जो है उनके सिद्धांतों को मान्यता नहीं दी गई, बट न्यूटन वॉज एक्सट्रीमली एक्नोलेज बाय द सोसाइटी ऑफ यूरोप एट दैट टाइम। इंग्लिश वैज्ञानिक थे, ही वॉज इंग्लिश साइंटिस्ट, एंड वेन ही हैज प्रूव्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द लॉज ऑफ मोशन, तो इसको बहुत वो मिल चुका था। बट इसी टाइम में एक व्यक्ति और भी था, और ऐसा माना जाता है कि यदि मोशन के लॉज को, ग्रेविटेशन के लॉ को न्यूटन सॉल्व ना करता तो दूसरा एक वैज्ञानिक था वो सॉल्व करता, और वो वैज्ञानिक जो था ही वॉज अ डच साइंटिस्ट, हिज नेम वॉज क्रिश्चियन हाइगंस। अब आपको थोड़ा सा ट्वेल्थ का याद आ रहा होगा कि हाइगेंस का नाम तो मैंने सुना है भाई, अब याद आ रहा होगा कि वो डच साइंटिस्ट हाइगेंस। तो थोड़ा सा देखते जाइए, बात को समझते जाइए। तो न्यूटन ने ये बोला कि प्रकाश जो है कणों के रूप में चलता है, छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं उसके रूप में प्रकाश चलता है, और यहीं से पहली बार उन्होंने प्रकाश के कण होने की बात कही। समझते जाइएगा, कण मीन्स पार्टिकुलेट्स और पार्टिकल्स। ही सेड दैट द लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकुलेट थ्योरी उन्होंने अपनी दी, और इस पार्टिकुलेट थ्योरी के आधार पर उन्होंने जो बहुत पहले सिद्ध हो चुके थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो लॉज थे उसको सिद्ध करके दिखाया। हालांकि इसमें कुछ कमियां थी,
लेकिन उस कमी को उस समय के लोग नहीं समझ पाए। ठीक उसी दौरान, इसी दौर में जो डस साइंटिस्ट हाइगंस थे, अब इसके साथ और भी समझ लो कि फिजिक्स के दौर में दो तरीके के साइंटिस्ट रहे हैं। एक वो जो मैथमेटिक्स में बहुत होशियार हुआ करते थे, इसको आप समझोगे ना आपका विज्ञान का बिल्कुल द्वार बिल्कुल खुल जाएगा। समझते जाओ वैज्ञानिक सोचता किस तरीके से है, इसको मैं एक्चुअली कह के रटना या उस तरीके की चीज नहीं, आप पढ़ते हो तो समझो और उसको बिल्कुल ज्ञान जो है आनंद देता है। ये बात आप समझ लीजिए, जब आप वास्तविक ज्ञान पाओगे तो आनंद की अनुभूति करोगे, यू विल एक्सपीरियंस ब्लिस, यू विल एक्सपीरियंस ब्लिस जॉय। सो हाइगंस के पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, फिजिक्स में दो तरीके के वैज्ञानिक रहे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट इन फिजिक्स। फर्स्ट हु वर वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, एंड सेकेंड वन वॉज दोज हुज इमेजिनेशन पावर वॉज वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग, उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी थी और वो इमेजिन करते थे। विजुलाइज करते थे, उसके लिए एक और सही अच्छा शब्द बताता हूं, विजुलाइजेशन, इंग्लिश में ही शब्द है विजुलाइजेशन, किसी चीज को देखना, सोचना, और कैसे करना कि यहां पर अगर ऐसा होता। आइंस्टाइन वॉज वन ऑफ देम, आइंस्टाइन जो था वो उसी तरीके का एक वैज्ञानिक था। तो हाइगंस जो थे उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, ये जो पर्टिकुलेट थ्योरी जो है ये सही नहीं है, और प्रकाश जो है वो वेव के फॉर्म में चलता है, तरंग के, प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है। तो यहीं से एक डुअलिटी आ गई थी, एक रास्ता यहां जा रहा था तो कह रहा था कि भाई प्रकाश कण है और दूसरा कह रहा था कि प्रकाश तरंग है। बट हुआ ये कि सबसे पहली बात दो बातें हुई, एक तो जनरल लाइफ में प्रकाश को एज अ वेव एक्सेप्ट करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग उसको, क्योंकि वेव जैसी बहुत सारी घटनाएं जिसको हम बाद में समझेंगे कि वेव्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उस क्यों हम वेव्स को अज्यूम नहीं कर पाए या वेव्स को नहीं मान पाए कि भाई प्रकाश वेव होती है, प्रकाश एक तरंग होता है, लाइट इज अ वेव, व्हाई वी वर नॉट टू मच सेटिस्फाइड विद दिस थ्योरी ऑफ हाइगंस दैट लाइट इज अ वेव। तो पहली बात तो ये थी कि इन आवर डेली लाइफ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अज्यूम लाइट एज अ वेव। सेकंड थिंग वाज दैट न्यूटन वाज वेरी पॉपुलर इन हिज टाइम, न्यूटन जो था वो बहुत प्रसिद्ध था और लोग न्यूटन पे ज्यादा विश्वास करते थे। तो इनको लोगों ने कहा भाई साहब आप साइड में हो जाओ और ये जो कह रहे हैं वो सही है। तो हाइगंस तो बेचारे, लेकिन बात मैं आपको बता दूं कि हाइगंस ने भी अपने सिद्धांतों से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को प्रूव करके दिखाया। आज जो आप फिजिक्स की किताब में पढ़ते हो उस फिजिक्स की किताब में हाइगंस की थ्योरी को ही सही माना जाता है। हाइगंस की थ्योरी में पूछा जा सकता है किसने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया है, हु गेव द सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल ऑफ लाइट, तो नाम होगा मिस्टर हाइगंस, क्रिश्चियन हाइगंस, अ डच साइंटिस्ट। लेकिन एट दैट टाइम ही वॉज नॉट एक्नॉलेज बाय द यूरोपियंस प्रॉपरली एंड दे टुक न्यूटन एज अ वेल लर्नेड साइंटिस्ट एंड दे अप्रूव्ड हिज थ्योरी, दे बिलीव्ड इन हिज थ्योरी। सो नो वन बिलीव्ड एट दैट टाइम, बट देर वॉज अ चांस बिकेम दैट लाइट कैन बी डिफाइंड इन अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल और इन अ फॉर्म ऑफ वेव, अंडरस्टैंड। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट फेज, तो ये दूसरा फेज आया और दूसरे फेज में हमने दो बातों को समझा जहां हम दो निष्कर्षों पर पहुंच रहे थे किसी तरीके से। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, आपको अगर लगता है तो इसका नोट्स बना लीजिए क्योंकि ये देखने में तो आपको लग रहा है काफी गंदा संदा, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू सॉल्व। आप जब देखोगे यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन तो आपको ताज्जुब होगा, सर ने ये जो ऐसे ही बनाया था बोर्ड पर इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा और ये बड़ी चमत्कारी, इट्स अ मैजिकल क्लास, बिलीव दैट। सो इन शॉर्ट आई एम राइटिंग इट अगेन सो दैट पहली चीज हमने देखी कि रे, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिर हमने देखा अगले फेज में कि न्यूटन है और हाइगंस है और एक कह रहा है कि ये पार्टिकल है और दूसरा कह रहा है कि ये वेव है,
अब आगे क्या हुआ? अब जैसे मैंने पिछली क्लास अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि देयर वाज अ प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग लाइट एज अ वेव, उसकी एक प्रॉब्लम थी, एक जड़ थी कि क्यों हम वेव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे एज अ लाइट, कि लाइट एक वेव हो सकती है, लाइट कैन बी अ वेव, व्हाई वी वर नॉट बिलीविंग इन द प्रिंसिपल्स और थ्योरी ऑफ हाइगन्स, देयर वाज अ प्रॉब्लम। हमको पता है कि पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश आता है तो बीच में निर्वात होता है और किसी भी तरंग को, और नहीं पता तो आप समझ लीजिए, तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अ वेव नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। अब मैंने मूव और ट्रेवल खत्म कर दिया, सुन लो, प्रोपोगेट शब्द जो है इंग्लिश में भी बता दे रहा हूं, प्रोपोगेट जब वेव चलती है, व्हेन अ लाइट मूव्स और ट्रेवल्स वी गिव अ वर्ड प्रोपोगेट। तो द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट मीडियम, तरंग का बिना माध्यम के चलना असंभव है, इस बात में विश्वास करते थे। तो अब तो बड़ा, इसीलिए ये समस्या हो रही थी कि लोग, दूसरे जो वैज्ञानिक स्तर के लोग थे वो इसमें, आम लोगों की बात तो थी नहीं, आम लोग तो विज्ञान तक आवाज नहीं है, लोग स्वभाव से वैज्ञानिक लोग ले लेते हैं विज्ञान, लेकिन 1% सोची नहीं है विज्ञान जैसी, अंधविश्वासों में लोग विश्वास करते हैं। ठीक, तो भाई यहां पर लेकिन इस गुत्थी को सुलझाया, और किसने सुलझाया? उस महान वैज्ञानिक का नाम था मैक्सवेल। उस महान वैज्ञानिक का नाम था, फिर बता दे रहा हूं कि हाँ, इसको एक्चुअली वैज्ञानिकों के ही नाम पूछ लेते हैं, आप उठा करके देख लीजिएगा कि किस वैज्ञानिक ने किस चीज को खोजा था, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप सुनते जाओ। द सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द साइंटिस्ट रिलेटेड टू द ऑप्टिक्स इज मैक्सवेल। सो मैक्सवेल प्रूव दैट लाइट कैन बी अ वेव। मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश तरंग है, तो फिर बात आई कि भाई बिना माध्यम के चलता कैसे, हाउ इट प्रोपोगेट्स विदाउट मीडियम। देन ही टोल्ड दैट इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन। तरंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं, तरंग क्या होती है, एक प्रकार की कंपन होती है, सरल शब्दों में बता रहा हूं, वेव इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन एंड ईच एंड एवरी पार्टिकल इज मूविंग एंड वाइब्रेटिंग। और इसका सबसे अच्छा सिद्धांत बताता हूं, आपने देखा होगा फिल्मों में कि जब कोई एडमिट होता है तो वहां पर ऐसे टीवी पर चलता रहता है इस तरह से करके, व्हाट आर दीज, दीज आर इलेक्ट्रिकल वेव्स विच आर कनेक्टेड विद द बॉडी। तो हर चीज वेव हो सकती है, उसको हम लोग ले सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बाद में चर्चा करेंगे, अभी नहीं कर रहे, भटक जाएंगे थोड़ा सा। उसने बताया कि ये वैद्युत चुंबकीय कंपन वाइब्रेशन के रूप में चलती है, इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन। ऑसिलेशन सही शब्द है, ठीक है, इंग्लिश में वैद्युत चुंबकीय कंपन के रूप में आगे बढ़ती है, और ऐसे कंपन को किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सच काइंड ऑफ ऑसिलेशन डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम। तो ये एक मील का नया पत्थर था सिद्धांतों में जिसको मैक्सवेल ने दिया, और हमारा ये विश्वास बढ़ा कि लाइट इज नॉट अ पार्टिकल बट इट्स अ वेव। अभी चल रहा है तो देखते जाओ, तुम मजा, तो आप नोट कर लीजिएगा इसको। तो मैक्सवेल का चरण आया, मैं छोटा सा लिख देता हूँ आपको, एक हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ ऑप्टिक्स की, किस तरह से हिस्ट्री बनी, ऑप्टिक्स की भी हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अगले चरण में आए द ग्रेट साइंटिस्ट मैक्सवेल, और मैक्सवेल प्रूव्ड इट दैट इट्स अ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक, और यही देखो, प्रकाश के बारे में यही पूछ लेते हैं, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं होती है, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है।
चार विकल्प देते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है। प्रकाश विद्युत, सॉरी विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय। राइट, समझ में आ रहा है, नोट करते जाइएगा। अब क्या हुआ, इसके आगे बढ़ते हैं। अब जब ये बात आ गई, वेव की बात चलने लगी, तो एक और वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक, जिनका नाम था थॉमस यंग। सुनते जाओ, थॉमस यंग, आपको याद नहीं आ रहा होंगे चीजें थोड़ी थोड़ी से। थॉमस यंग जो थे, इन्होंने कुछ और परिघटनाएं, कुछ और फिनोमिना देखे, और वो फिनोमिना जनरली हमको समझ में आते नहीं है। और वो दो फिनोमिना थे, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। आई एम राइटिंग इट डाउन, इंटरफेरेंस विवर्तन और व्यतिकरण हिंदी में बोलते हैं, और डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। और इन्होंने एक डबल स्लिट प्रयोग किया, वो क्या है ये सब बाद में देखेंगे, बस मैं आपको समझाता जा रहा हूं। तो अभी तक हमने परावर्तन और अपवर्तन जैसी घटनाएं देखी थी, अब मैं आपको दो घटनाओं के बारे में और बताता हूं। ये दो घटनाएं हैं, व्यतिकरण और विवर्तन। तो यंग ने इन दो घटनाओं के ऊपर काम किया और एक डबल स्लिट प्रयोग किया, जिससे उसने बिल्कुल प्रूव कर दिया कि इट्स अ वेव। वहां से यंग ने इसको पूरी तरह से प्रयोग कर दिया, थॉमस यंग ने, कि ये क्या है, एक वेव। अभी हम बस यही समझेंगे कि कौन क्या चीज कह रहा है, बस इस बात पर ध्यान लगाइए कि किस तरह से चल रहा है सारा काम। ये इतिहास आप समझ लो, पहले तो प्रकाश का इतिहास समझ लो आप। आज आपने बहुत सारे इतिहास पढ़े होंगे, आज प्रकाश का इतिहास समझ लो। आज तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, थॉमस यंग ने इसको बताया कि ये वेव है। अब बात आगे बढ़ी, हम आधुनिक विज्ञान की तरफ बढ़ रहे थे, और थॉमस अल्वा एडिसन ने, अब देखो कहाँ कहाँ पहुंच रही है बात, आपने बुक्स में इतनी बातें पढ़ी नहीं होंगी, ये भी बता रहा हूँ मैं, मजेदार पूरा घटनाक्रम है, समझते जाओ। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बना लिया था, थॉमस अल्वा एडिसन हैड इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड दे वर ट्राइंग टू मेक दिस इलेक्ट्रिक बल्ब एज मोर एज एफिशिएंट। जो विद्युत बल्ब था उसको और अधिक दक्ष बनाने का प्रयास किया जा रहा था, और ये सब घटना चल रही थी। तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने फिजिक्स का सबसे बड़ा अंदाजा लगाया, और वो अंदाजा लगाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक हिंदी में भी लिख देता हूं भाई, मैक्स प्लांक, सुनते जाना लिख लेना। आप विज्ञान पढ़ रहे हो, वैज्ञानिकों के बारे में ही नहीं पता। मैंने कहा था मेरी उस तरीके की क्लास बिल्कुल नहीं होगी, उससे आप बाहर निकलो और सिलेक्ट नहीं होगे यार, एग्जाम में बैठोगे लेकिन सिलेक्ट नहीं होगे यार, बता रहा हूं मैं आपको। मैं भी कर सकता हूं, वो तो बहुत आसान काम है, 10 पॉइंट लिख दूंगा, बताता जाऊंगा ये है ये है ये है ये है, कुछ करना भी नहीं है, सामने लिखा है बता देना, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैक्स प्लांक ने एक बहुत बड़ा एक आइडिया अपने सोच से दिया, और वो ये था कि उन्होंने कहा कि भाई प्रकाश जो है कणों के रूप में चलता है। देखो घूम गई ना एकदम से बात, अभी आप सस्पेंस में चलते जा रहे थे, यही खूनी है। अब एकदम से मैक्स प्लांक ने कहा भाई खूनी ये नहीं है, ये समझे ना, ही इज द किलर। मैक्स प्लांक ने पूरी बात ही बदल दी, और उसने कहा भाई ये नहीं है ये है, ये बिल्कुल ऐसे अडाला रहता ना, तो लगता रहता है कि ये खूनी है। तो चल रहे हम लोग यहां से, इन दोनों ने अंदाज लगाया था कि यार खूनी ये नहीं है, ये है ये है ये है। अब वो फिर मैक्सवेल लगा नहीं यही है, फिर यंग ने कहा यही है, एकदम से एक चीज आई और एकदम से एक नया क्लू मिला, और मैक्स प्लांक ने कहा भाई अंदाज लगाया नहीं यार खूनी ये नहीं है ये है। और ऐसे फिल्म के एंडिंग में होता है, फिल्म के एंड में ऐसा होता है, देखा होगा आपने, तो फिल्म का एंड चल रहा है, देखते जाओ क्या होता है। तो मैक्स प्लांक ने इस बात को कहा, और उन्होंने कहा कि ये पार्टिकल आप नोट्स बनाते जाना इस चीज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा अभी देखना। और क्या हुआ कि ये जो बात थी कि मैक्स प्लांक ने कहा कि ये किस तरह से कनेक्टेड है ना, मेरा लेक्चर आप समझते जाओगे पहले लेक्चर से आखिरी तक।
मैक्स प्लैंक ने वही कहा कि ये तो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, प्रकाश कण के रूप में चलता है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, ये बात इन्होंने कही। और मजेदार बात ये थी कि दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिक ने इस बात को मान लिया, उसका नाम था सर अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बात पर विश्वास कर लिया और कहा कि ये बात सही है, प्रकाश कणों के रूप में चलता है। और आगे जाकर के उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की जिससे फिजिक्स की दिशा और दशा, द डायरेक्शन एंड द पोजिशन एंड बोथ हैव चेंज कंप्लीटली, और एक नया आयाम, अ न्यू एम्पलीट्यूड, न्यू डायमेंशन वॉज गिवन टू फिजिक्स। अभी बताता हूँ किस तरीके से, बड़े मजे की बात। तो क्या हुआ कि आइंस्टाइन ने इसको बात को माना, और मानने के बाद एक उन्होंने प्रयोग किया जिसको कहते हैं, मैं कहाँ लिखूं, बोर्ड पर दिखाई दे, तो मैक्स प्लैंक आप थोड़ा साफ साफ लिख लीजिएगा, क्योंकि अब मैं लिखता हूं नाम आइंस्टाइन, कभी मौका लगे तो आइंस्टाइन की एक बुक पढ़िएगा, फिजिक्स के ऊपर, उसकी हिस्ट्री के ऊपर लिखी है आइंस्टाइन ने किताब। और मजे की बात यह कि फिजिक्स में जो हम लोग न्यूमेरिकल्स और उससे भरे रहते हैं ना, उसमें कोई न्यूमेरिकल, कोई कैलकुलेशन नहीं है। आइंस्टाइन को खुद भी इन सब बातों से बहुत ज़्यादा परहेज था, इमेजिनेशन करते रहते थे क्लास में बैठ करके। हाँ, वैज्ञानिकों के बारे में जानोगे तब तक वैज्ञानिकों जैसा वैज्ञानिक नहीं बन पाएंगे, लेकिन वैज्ञानिक जिसको समझेंगे तो सही। तो आइंस्टाइन जो थे, हिंदी में भी लिख रहा हूँ, आइंस्टाइन ने एक प्रयोग जो है सिद्ध करके दिखाया, जिसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश वैद्युत। आप इसको नोट कर लो, मैं जरा साफ साफ लिख लूं, नहीं तो आप भूल जाओगे चीजों को। छोटा लिखता हूं मैं यहां पर, मैं मैक्स प्लैंक का नाम लिख लेता हूं, ठीक है, और बगल में छोटा सा बना देता हूं मैं कण। अब मैं इंग्लिश हिंदी बता चुका हूं तो आप इतना एडजस्ट थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना समझाने पे ज्यादा रहता है। अगर आपने समझ लिया चीजों को तो आप खुद कोई कर लोगे, जैसे मैंने बताया ना, ज्ञान होता क्या, पैसा होता तो पैसा कमा के दे देता है, नहीं तो आप जिंदगी भर मेहनत करते रहना, पैसे खर्च होते रहेंगे, क्रेडिट बढ़ता रहेगा, उधार बढ़ती रहेगी। तो मैंने बताया आपको आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने, अब इसको आप मोटे मोटे रूप में देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हिंदी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसकी खोज की। अब ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है कि जब कुछ धातुओं पर प्रकाश गिरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की जहां पर बात आई तो एक बात मैं बता देता हूं कि यहां से ये सिद्ध हुआ कि लाइट जो है आपकी, ये जो लाइट थी, ये खूनी है भी और नहीं भी है। मेन इसका जो नेचर है, इट्स अ ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर मींस दोहरा चरित्र है। हिंदी में दोहरा चरित्र नहीं कहेंगे भाई, दोहरा चरित्र कहना तो गड़बड़ हो जाता है। द्वैती प्रकृति, द्वैती प्रकृति, प्रकाश की द्वैती प्रकृति, इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश एक कण हो सकता है। कण की खासियत क्या होती है, जैसे ये एक चीज है, दिस इज अ फिजिकल एंटिटी, ये एक भौतिक वस्तु है और मैं इसको पकड़ सकता हूं, बट वेव्स को मैं पकड़ नहीं सकता। बल्ब जल रहा है, मैं सोचूं कि उससे आने वाले प्रकाश को मैं पकड़ लूं, आई कैन नॉट कैच इट एट ऑल, बट दिस पेन आई कैन कैच इट। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि यहां से हमने समझा, और आइंस्टाइन के इस प्रूफ से समझा, यंत्र मैक्स प्लैंक तक आते आते हम कण में आ गए थे, फिर हमको लगा कि ये कण है, बट फाइनली ये डिसाइड हुआ कि प्रकाश के दोनों तरीके के बिहेवियर हैं, इट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल
एंड इट कैन बिहेव लाइक अ वेव. सो सम ऑफ द फिनोमिनास कैन बी एक्सप्लेन इन द सेंस दैट इट इज वेव जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्रोमेटिक एबरेशन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी एज्यूम दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. प्रकाश जो है किसका बना होता है? कणों का बना हुआ होता है. इज इट राइट? तो सबसे पहली बात कि जो प्रकाश भाई साहब है ये अपना रूप बदल लेते हैं. समझे आप? ये प्रकाश जो है ये अपना प्रकाश है. आपके आसपास होंगे ना प्रकाश नाम के लोग, वो अपना रूप नहीं बदल पाते होंगे, लेकिन ये प्रकाश जो है अपना रूप बदल लेता है. कभी भी वेव के फॉर्म में हो जाता है, कभी भी कण के रूप में आ जाता है. और कण में और वेव में क्या अंतर होता है ये मैंने आपको बताया कि कण जो होता है फिजिकल चीज है, इसको आप पकड़ सकते हो. और फिर एक और बात बताता हूँ मैं आपको, अभी खत्म नहीं हुई ये बात, मजेदार बात तो भी रहेगी इस पूरे लेक्चर की, इसलिए कहा था शुरू से आखिर तक देखना. तो ये सब मैं मिटा रहा हूं और आखिरी जो क्लाइमेक्स सीन है वो आपको दे करके जा रहा हूं जबरदस्त. उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आ सकता है आगे वाली परीक्षा में, पहले आप ये देख लो. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स जो अभी हमने देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यहां से ये पता लगा कि प्रकाश डुअल नेचर का होता है, वो कण होता है और कण मान करके ही उसको प्रूव किया गया था. ठीक है, और यहीं से फिजिक्स की को एक बिल्कुल नई दिशा मिली. फिजिक्स गॉट अ वेरी न्यू डायरेक्शन विच इज अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी. इसलिए कहा था कि लाइट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि भविष्य में आने वाले 50 साल में ही प्रकाश के सिद्धांतों का प्रयोग अगर आपको नहीं पता तो आप नई चीजों के बारे में नहीं जान पाओगे. और इस यही वो जगह है जिसने एक नया आयाम दिया, अ न्यू डायरेक्शन अ न्यू डायमेंशन टू फिजिक्स. एंड दिस फ्रॉम हियर वी गॉट अ न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कॉल्ड फोटोनिक्स. अब याद कीजिए वो मेरा पहला लेक्चर, वहां पर मैंने फोटोनिक्स आपको बताया था कि सिलेबस में है. फोटोनिक्स आया कहां से ये मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रकाश के कणों को क्या कहते हैं? प्रकाश कण क्या कहलाते हैं? फोटोन्स. क्या कहलाते हैं? फोटोन्स. मैक्स प्लांक ने कहा था. ठीक है, फोटोन्स क्या कहलाते हैं? फोटोन्स. और इनमें एनर्जी होती है, फोटोन्स. तो अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव में हो कह रहा था कि जब ये आखिरी का जो है, जब प्रकाश किसी धातु पर पड़ रहा था तो क्या निकल रहा था? इलेक्ट्रॉन. और यहीं से हमको ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन का भी नेचर डुअल होता है. और क्वांटम कंप्यूटर्स में दो कणों का प्रयोग किया था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन है. तो दो बातें मैंने आपको डिस्क्लोज करी और बताई, और यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि क्वांटम कंप्यूटर्स में किस कण का प्रयोग किया था. तो फिर कहेंगे पढ़ा ही नहीं था. पढ़ने की जरूरत कहाँ रट लोगे यार, मैं तुमको समझा रहा हूँ कहाँ ले जाकर के फिजिक्स में. आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगी चीजें जो पढ़ते हो इस लेवल की, इसलिए नोट करते जाना. पॉज कर करके मेरा नोट्स, मेरी बातों में नोट्स बनाना यार तुम. किसी का नोट्स मत लेना, मेरी बातों में नोट्स बना लेना तुम, सफल हो जाओगे. मैंने आपसे बोल दिया ये, किसी भी कंपटीशन में बैठना सफल हो जाओगे. ये नहीं कहोगे सर आपका लेक्चर सुना था क्वेश्चन नहीं फंसा. तो ये बात समझ में आई आपको कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर होता है, और आज हम इस बात पर भी पहुंच चुके हैं. ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ एटम हैज डुअल नेचर. इलेक्ट्रॉन ही नहीं, बाकी की चीजों का भी डुअल नेचर होता है. वो कभी कण के रूप में रहते हैं मौजूद, कभी वेव्स के रूप में मौजूद रहते हैं. समझ रहे हैं? तो ये हमारे लेक्चर का अंतिम क्लाइमेक्स सीन था जो मैंने आपके सामने बखूबी निभाया है, और आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आएगा. और जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं.
इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, हिंदी में भी लिखूंगा। क्वेश्चन, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कैन बी वेल एक्सप्लेन बाय ए रिफ्रैक्शन, बी रिफ्लेक्शन, सी इंटरफेरेंस, डी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हिंदी में प्रश्न लिख दे रहा हूं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन में से कौन प्रकाश के कण होने की व्याख्या कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश कण के कण होने की व्याख्या कर सकता है। अब आएंगे वापस इनका, देखो अब बता दिया था, परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब जवाब आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो यहां पर हम इस लेक्चर का एंड करते हैं। एंड आई होप दैट यू हैव मस्ट हैव एंजॉयड इट। आई एम श्योर ऑफ दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। आई विल कम इन सून, वेरी सून, इन फ्रंट ऑफ यू विथ माई नेक्स्ट वंडरफुल मैजिकल लेक्चर। टिल दैट, गुड बाय।